जयपुर में 16 अप्रैल को होने जा रही अहीर जन जागृति सम्मेलन को लेकर पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। प्रेस वार्ता में भारत यादव ने बताया कि अहीर रेजिमेंट हमारी वर्षों पुरानी मांग है। इसको लेकर समाज ने समय समय पर धरने प्रदर्शन भी किए, लेकिन इसका अभी तक कोई हल नहीं निकला। इसी को लेकर यादव समाज की ओर से अहीर जन जागृति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि जयपुर के न्यू सांगानेर रोड राव तुलाराम के नाम पर किया जाए और श्री कृष्ण बोर्ड का गठन किया जाए। प्रेस वार्ता में सांवरमल यादव, इंदिरा यादव, डॉक्टर सुनीता यादव, तेजराज यादव, विपिन यादव सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भारतीय अहीर महासभा प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, अगर हम इसके बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि यादव कौम मार्शल कौम होते हुए भी आज तक हमें अहीर रेजिमेंट नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी भी ब्रिटिशर्स के सामने अपने आप को झुकने नहीं दिया, अडामेंट रहे, इसलिए शायद हमें आज तक नहीं मिली है। लेकिन अब क्योंकि हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका है तो ज़रूरी है कि अब हमें रेजिमेंट मिलनी ही चाहिए हर हाल में। और इसीलिए मैं सभी माताओं बहनों को और यूथ को ये अपनी तरफ से बहुत 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 अच्छे से विनती करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग आएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जो कि करीब कितनी महिलाएं आने की संभावना है? लगभग 40% महिलाएं भी आएंगी इसमें। जितने भी हमारी पॉपुलेशन कंप्लीटली आती है उसमें 40% 30% महिलाएं भी होंगी। और एक हमने एक मांग और रखी है राज्य सरकार से कि 10वीं के पाठ्यक्रम में रिजंगला पर एक अध्याय रखा जाए जिसमें वो पढ़ाया जाए उनको। मुंडावर से अलवर राजस्थान से मैं सभी युवाओं से निवेदन करता हूँ, 16 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बीटी ग्राउंड मैदान में पहुँचकर हमारे समाज का मान सम्मान बढ़ाएं। बोलिए। आज़ादी के बाद पहली दफा अहीर वीरों के द्वारा एक इतिहास लिखा जाने वाला है, जहां अहीर कौम इस राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना बलिदान होने का अधिकार मांगने के लिए एक अहीर जनजागृति सम्मेलन आयोजित करने जा रही है, जिसमें लाखों की संख्या में अहीर वीर यहां पहुंच करके इस राजस्थान की सरकार से और केंद्र की सरकार से अपनी इस राष्ट्र रक्षा में बलिदान के लिए अपना हक की मांग करेंगे। सांवल राम यादव शहीद सुनील कुमार का पिता और देहदानी नीमका थाना बीटी ग्राउंड मानसरोवर जयपुर में 10 बजे ये सम्मेलन आरंभ होगा। लगभग 3 लाख लोगों के आने की संभावना है और मौके पर संभावनाएं जहां जहां से मिल रही हैं वहां और अधिक संख्या बढ़ने की अनुमान लगाया जा रहा है। हमने इस देश के तमाम हमारी कौम के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हैं, चाहे केंद्र में मंत्री हैं, चाहे प्रदेश में मंत्री हैं, सभी उनको इनवाइट किया है। इस समाज के सभी कॉरपोरेट्स को इनवाइट किया है, सभी हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको इनवाइट किया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस कौम के गांव-गांव ढाणी-ढाणी में रहने वाले उन वीर अहीर योद्धाओं को याद किया है, उन माताओं बहनों को याद किया है, उन तमाम किसान भाइयों को याद किया है जो आकर के इस कार्यक्रम का गौरव बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत यादव अध्यक्ष जिला यादव अहीर महासभा अलवर। सर, सभी समाजों की ओर से महापंचायत द्वारा की जा रही है, आपके समाज के द्वारा की जा रही है, क्या मुख्य मांगे रहेंगी? मुख्य मांग सावल राम जी ने बताई है कि भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन हो। इसके साथ साथ राज्य सरकार से भी हमारी मांगे हैं कि एक तो हमारे 23 सितंबर को राव तुलाराम जी का शहीदी दिवस है, हरियाणा सरकार ने इसका राजकीय अवकाश की घोषणा की हुई है, इसी तर्ज पर हरियाणा की सरकार तर्ज पर राजस्थान सरकार भी इसकी राजकीय अवकाश की घोषणा करे। एक न्यू सांगानेर रोड का मार्ग बदलकर रिजांगला मार्ग के हमारी डिमांड है राज्य सरकार से।